तुम संगे में आए और डैम पे गए और एक दूसरा जो एक था प्रकल्प था वो बॉटनिकल गार्डन था, सर आपको वहाँ जाके कैसा लगा, कैसा महसूस किया? तो डैम तो अनपैरेलल है, ऐसा कहीं है नहीं। इसका जो सौंदर्य है, जो बनावट है, ये तो बहुत शानदार जगह है यहाँ के लोगों के लिए और इसको डेवलप करना चाहिए यहाँ टूरिज्म। बॉटनिकल गार्डन भी डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे से रखा है। अब तो आज बारिश थी और मेरा पहले प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैं सितंबर में आऊंगा और यहाँ रुकूंगा। सर आपको बार बार आने को जी बार बार ये है ही, बार बार आने की जगह, यू डोंट वरी। सर आज की विजिट के बारे में, आज की विजिट के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? असल में हम लोगों को राष्ट्रपति जी की तरफ से ही हिदायत है कि हर स्टेट में जो अच्छी जगह हैं, जो प्रचारित नहीं भी हैं, वहां भी जाओ, विजिट करो, देखो और जरूरी हो तो रात रुको। तो उसी सिलसिले में मैं एक हफ्ता पहले गया था महावीर जो है भगवान महावीर फॉरेस्ट
नेशनल पार्क, उसमें एक मंदिर है 1000 साल पुराना, लोगों को पता ही नहीं है महादेव का, बहुत खूबसूरत मंदिर है, नदी है, ऐसे ही ये है, ऐसा डैम कहीं दुनिया में, बहुत मुल्कों में घूमा हूँ, ऐसा कहीं नहीं है जैसा ये। गोयचे राज्यपाल हेणे आज मुद्दाम करून सांगेच्या सालोली डॅमाक भेट दिली, तशेंच ते बॉटनिकल गार्डन सुद्धा तेणी पळयल्ले आसा। ही तेंची भेट जी आसली ती सदिच्छा भेट आसली, वन खात्यान हो कार्यक्रम सगळो आयोजित केल्लो आसलो। आनी ज्या टायमार ते डॅमार गेले तेंचे बरोबर सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर, सांगेचे डेप्युटी कलेक्टर अजय गावडे, सांगेचे मामलेदार मनोज कोरगांवकर हे उपस्थित आसले, तशेंच वन खात्याचे अनेक अधिकारी तेंचे बरोबर आसले। आनी तेणी ही भेट थंय दिली, आनीक थंय भेट दिल्ली आसा तेंकां थंय आमचे लोकल माडाचे आडसर तेंकां उदक पिवपाक दिले। तेजे नंतर तेणी सांगेच्या फॉरेस्टाक थंय रेस्ट हाऊसांत तेणी विश्राम केलो थोडे वेळ, आनी फुडले ते गेलो जो कार्यक्रम आसलो त्या कार्यक्रमाक ते निघून गेले। उदय देकर इन गोवा खातीर सांगेच्यान।